लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसके लिए आज का ये विशाल प्रकटों का आंदोलन आप सबने देखा। इस वक्त जो इस सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके कोर टीम मेंबर और सीनियर लीडर बीजेपी के पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, क्या आज की जो डिमांड रही, क्या निवेदन आप लोगों ने सिडको को दिया है, राज्य सरकार से किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? हम लोगों ने पहले से ठान लिया हुआ है, सालों से डिमांड किया है कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए माननीय हमारे दिवंगत लोक नेता दीपा पटेल साहब का नाम दिया जाए। इतने सालों से एक बात था कि यहाँ से अभी तक सिडको भी ठहराव नहीं हुआ था और वो आज न कल एयरपोर्ट का काम चालू है। एयरपोर्ट का काम होने में अभी तो 3-4 साल है, तो इतना जल्दी तो नहीं था, लेकिन सडनली कोई आए और नाम सुझाव दिया बाड़ा साहेब ठाकरे का, तो इसके लिए दुनिया अपना ये प्रकल्प है, ये पूरा रायगढ़ थाना पालघर और सब एरिया जो है मुंबई, ये सब जागरूक हो गए और बोला ये बीच में क्या आया, इसके लिए उसका ऑपरेशन करके दीपा पटेल का नाम देना चाहिए करके हम लोगों ने सिडको को लेटर दे दिया, सीएम को दे दिया, सब नेतागणों को दे दिया। और उसके बावजूद अगर वो नहीं मान रहे तो फिर हम लोगों ने आज का एक मानवीय साखली 10 तारीख को और ये सिडको को घेराव करके 1 लाख लोगों का ऐलान किया। आज 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए, चारों बाजू में रहने को खड़ा रहने को जगह नहीं, इतने लोग आ गए और सिडको को बता दिया, उनको एक निवेदन भी दिया कि तुम पहले वाला ठहराव कैंसिल करो, रद्द करो और नया वाला दीपा पटेल साहब का नाम देने का ठहराव पास करो और जल्द से जल्द करो, अदरवाइज तुम्हारा ठीक नहीं है, हम जो करना है वो करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट ने भाषण में बता दिया कि 15 अगस्त से टाइम लिमिट दिया, 15 अगस्त तक अगर तुम लोग ये दीपा पटेल साहब का नाम नहीं देते तो 16 अगस्त से ये देखो ये सब मी भूमिपुत्र वाले जो है ना ये सब लोग उधर काम बंद करेंगे, वहाँ कौन आता है कैसे आता है वो इनकी स्टाइल से वो देखेंगे। सर, एक जो सबसे बड़ी कारस्तानी इस नाम को लेकर की गई नगर विकास मंत्रालय और सिडको अधिकारियों ने की, जबकि 2012 से लगातार प्रस्ताव आ रहा था, विधानसभा में प्रस्ताव गया था, संसद में बात उठी थी, इसके बावजूद आपको नहीं लगता नगर विकास मंत्रालय और सिडको अधिकारियों ने मिलकर बड़ी साजिश की जिसकी वजह से सड़क को उतरना पड़ा? सिडको अधिकारी जो है ना वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसके लिए उनको ऊपर से जो बताया गया लेटर आया वो हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन ये बात ऐसा है कि एकनाथ शिंदे साहब जो नगर विकास मंत्री है वो खुद कर्जत में जो हमारे हुतात्मा जो है उनके इसमें फंक्शन में गए हुए थे, तो वहाँ उनको निवेदन दिया था कि दीपावली से नाम ये एयरपोर्ट को दिया जाए और उन्होंने हाँ बोला था। सिद्धेश्वर जो है ना उधर, तो हुतात्मा भाई कोतवाल जिनका स्मृति दिन था, तब उन्होंने हाँ बोला था, उनको मालूम भी था सब ये, तो ये होते हुए भी वो अगर दूसरा नाम बोलते हैं तब उन्होंने ये एरिया में पूछना चाहिए था कि भाई उनके कार्यकर्ता भी पूछते, उनका शिवसेना के बबन पाटिल या कोई और बालाराम पाटिल या कोई, क्योंकि सब ने उधर 2 साल पहले से दीपा पटेल का देहांत होने के बाद उधर लिखा हुआ है हमारा सपोर्ट, दीपा पटेल का साइन किया हुआ है, तो वो भी बोलते अरे हम तो नाम दिया हुआ है, क्या करने का पूछते तो बात जरूर आ जाता, लेकिन अभी क्या पूछने का नहीं, उन्होंने बाला साहब का नाम दे दो बोल दिया और उन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट मतलब ऊपर वाला आदेश मान लिया, लेकिन अभी वो आदेश जो है ना उनके ऊपर आया हुआ है, तो अभी मैं समझता हूँ कि उन्होंने अभी भी टाइम है कि संघर्ष शुरू नहीं हुआ, ये जो साखली हुआ और ये हुआ ना ये संघर्ष शुरू हुआ, ये संघर्ष जब शुरू हो जाएगा ना तो वनवा जाएगा। सर, आखिरी सवाल, एक आपको लगता है कि सरकार अब इस प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन से जागेगी, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा प्रकल्पग्रस्त इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं और अभी भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं आप लोगों के नेतृत्व में, आपको लगता है कि सरकार इससे निश्चित तौर पर झुकेगी और प्रस्ताव को बदलेगी? जरूर झुकेगी, टाइम लगेगा, भले टाइम लगेगा, 15 अगस्त तक हम बोलते हैं करना है, उन्होंने नहीं किया तो काम उनको अगर ऐसा भी काम डिले हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, 3-4 साल तो लगने वाला ही है, लेकिन हम लोग जो है ना तो हमारी डिमांड है अगर दीपा पटेल का नाम नहीं देते एयरपोर्ट वापस लेके जा, मतलब ये इनको एयरपोर्ट जो करना है तो दीपा पटेल का नाम देना ही है, नहीं है तो वो देखेंगे, हमको क्या मतलब है।
बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सीनियर लीडर रामसेठ ठाकुर जैसा कह रहे थे कि नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ दीपा पाटिल का साहब का नाम देना पड़ेगा, अन्यथा राज्य सरकार को ये प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए यहाँ से हटाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।